अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं ऑनर 8C का फुल रिव्यू। ऑनर 8C की अनबॉक्सिंग इससे पहले वीडियो में मैं कर चुका हूं, अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग मिस कर चुके हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानेंगे ऑनर 8C के बारे में फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन, इसकी हम बेंचमार्क स्कोर चेक करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, इसका कैमरा रिजल्ट चेक करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में डिटेल इन्फो मिलने वाली है ऑनर 8C के बारे में, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि ऑनर 8C आप बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑनर 8C को बाय करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं ऑनर 8C का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं ऑनर 8C के डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की। तो आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन पे, फ्रंट साइड पे अगर हम देखें तो फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे एक नॉच स्क्रीन मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी नॉच है। जिस तरह हमने Y7 Prime 2019 में देखा था, वहाँ पे हमें एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रही थी, यहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ी नॉच मिल रही है। नॉच के अंदर यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है और एक सेंसर मौजूद है, यहाँ पे स्पीकर मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.26 इंच का डिस्प्ले, HD प्लस डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पे LCD डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, IPS TFT स्क्रीन लगाई गई है। इसी तरह अगर मैं रेजोल्यूशन की इसमें बात करूं तो रेजोल्यूशन में आपको मिलने वाला है 720x1520 पिक्सल्स का। अगर एस्पेक्ट रेशो देखा जाए इस डिवाइस का, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 19:9 का एस्पेक्ट रेशो। इसी तरह इसमें पिक्सल डेंसिटी लगाई गई है 269 PPI की। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 81.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक है, प्रीमियम लुक नहीं दे रही। बैक साइड पे आप देख सकते हैं उंगलियों के काफ़ी ज़्यादा निशान आ जाते हैं। इसके लिए आपको बॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन कवर मिलने वाला है, जिससे आप स्क्रैचेस से मोबाइल को बचा सकते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है प्लास्टिक की, बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है। ऑनर 8C का डिस्प्ले काफ़ी शार्प है, धूप में भी इसका रेजोल्यूशन अच्छा है। अब चलते हैं ऑनर 8C के परफॉर्मेंस की तरफ और हम चेक करते हैं इस परफॉर्मेंस में कैसी है डिवाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इसमें चिपसेट लगाई गई है वो स्नैपड्रैगन 632 की चिपसेट लगाई गई है, जो कि दुनिया का पहला सेट है जिसके अंदर ये चिपसेट लगाई गई है। तो इस चिपसेट की परफॉर्मेंस कैसी है, ये भी हम इसकी गेमिंग टेस्ट करेंगे। इसके अंदर जो आपको GPU मिलने वाला है वो Adreno 506 का मिलने वाला है। इसमें प्रोसेसर 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगाया गया है। 3GB की आपको यहाँ पे रैम मिलेगी, 32GB की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है, आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। 3 कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको मिलेगी, इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और 2 SIM एक वक्त में एक साथ लगा सकते हैं आप। यहाँ पे बेंचमार्क इसको चेक कर लेते हैं, Geekbench 4 की ऐप से चेक किए गए स्कोर्स हैं। ये सिंगल कोर स्कोर उसका आ रहा है 1250 और उसका मल्टी कोर स्कोर है 4666। तो हम देखते हैं स्कोर कहाँ लाई कर रहा है, 1250 मेरा नहीं ख्याल इसकी लिस्ट में लाई करेगा, 1250 लाई कर रहा है, बिल्कुल 1250 का स्कोर है। नेक्सस हुआवे नेक्सस 6P से अच्छा स्कोर दे रहा है, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन से 810 लगाया गया था। इसी तरह अगर मल्टी कोर स्कोर देखें हम, 4666 हमारा स्कोर लाई कर रहा है 4666। गूगल पिक्सल से अच्छा स्कोर है, गैलेक्सी X7 से कम स्कोर है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर स्कोर्स वाइज देखा जाए तो उसके अच्छे स्कोर्स हैं। इसी तरह मैं N2 बेंचमार्क स्कोर भी चेक कर लेता हूँ, या गया इसके N2 के बेंचमार्क स्कोर्स, जो कि 101,364 हैं। 101,364 का स्कोर है N2 बेंचमार्क स्कोर्स। अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो CPU स्कोर उसका 51767 है, इसका GPU स्कोर 13888 है और UX स्कोर उसका 28368 है, जबकि इसका मेमोरी स्कोर 7341 है, जो कि कंप्लीट होकर बनता है 101,164 का स्कोर। तो बेंचमार्क स्कोर्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, Y7 Prime 2019 से कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर हैं। बाकी डिटेल कंपैरिजन इसके इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो में करेंगे। अब मैं आपको सभी गेमिंग टेस्ट दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले टेम्पर डाउन ऑन कर लेता हूँ, हम देखते हैं ये गेम ऑन होने में कितना टाइम लेता है, गेम की ग्राफिक कैसी हैं और गेम स्मूथली चल रहा है या हैंगिंग है। ऑन होने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इसमें जल्दी ऑन हो चुका है। तो इतनी जल्दी पकड़ा गया, मुझे नहीं लगता कोई हैंगिंग इसमें अभी तक। तो ये तो गेम अच्छा चल रहा है। इसके अंदर अब हम चेक करते हैं सबवे सर्फर।
तो ये स्टार्ट हो चुका है हमारा गेम सबवे सर्फर। ग्राफिक भी मुझे काफ़ी इसकी पसंद आ रही है और साउंड भी अच्छा है। तो ये थी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, कहीं हैंगिंग नहीं मिली मुझे, कहीं लैगिंग नहीं मिली। अब बात करते हैं Honor 8C के कैमरे की। तो Honor 8C में जो फ्रंट पे आपको कैमरा मिल रहा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जिसके अंदर आपको अपर्चर मिलने वाला है f2.0 का। तो Honor 8C का फ्रंट कैमरा भी मुझे पसंद आया, इसके साथ में कुछ ली गई पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बैक कैमरे का। Honor 8C के जो बैक पे आपको दो कैमरे मिल रहे हैं, इस पे आपको एक 13 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, इस पे प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल रहे हैं जिसके अंदर आपको अपर्चर मिलने वाला है। 13 मेगापिक्सल के कैमरे का अपर्चर है f1.8, जबकि आपको दूसरा जो कैमरा मिल रहा है डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का, उसमें आपको f2.4 का अपर्चर मिलने वाला है। इसे कैमरा रिजल्ट भी मैं चेक कर लेता हूँ, ओवरऑल कैमरा रिजल्ट मुझे उसका पसंद आया। इसके साथ में कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ आपके साथ जो मैंने Honor 8C से ली हैं, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स जो Honor 8C के बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे से ली गई हैं। इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो है Honor 8C के, और इसका कैमरा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, वीडियो रिजल्ट बहुत अच्छा है। बस में एक ही मुझे खामी लगी कि इसमें फ्रंट कैमरे में बुके मोड नहीं है, यानी मैं बैक कैमरे में तो बुके मोड यूज़ कर सकता हूँ, बैकग्राउंड क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन फ्रंट कैमरे में बुके मोड नहीं है, फ्रंट कैमरे में मैं बैकग्राउंड क्लियर नहीं कर सकता। तो बाकी कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। Honor 8C के बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो Honor 8C के अंदर लगाई गई है 4000 mAh की बैटरी, और इसकी बैटरी टाइमिंग मुझे पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी टाइमिंग है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलने वाला है, उसका EMEA वर्जन जो है वो 8.2 मिलने वाला है आपको। 3 कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया है, अरोरा ब्लू कलर है, मिडनाइट ब्लैक कलर है, और इसमें प्लैटिनियम गोल्ड कलर है तीसरा। इसमें मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो अरोरा ब्लू कलर है। Honor 8C का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं और फेस अनलॉक टेस्ट कर लेते हैं। इसमें फिंगर अपनी इनरोल कर चुका हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं आप स्पीड, मुझे इसकी स्पीड पसंद आ रही है, काफ़ी फास्ट अनलॉक करता है। इसी तरह मैं फेस अनलॉक भी चेक कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये था रिव्यू Honor 8C का। Honor 8C आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने आगाज़ ज़रूर करें। Honor 8C का कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा पसंद आया और किस पॉइंट पे आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मैं Honor 8C को प्रेफर करूंगा, अगर मेरी प्राइस रेंज है 29,000 से 30,000 रुपये के दरमियान तो मैं Honor 8C को प्रेफर करूंगा, क्योंकि रिसेंटली Huawei Y7 Prime 2019 लॉन्च किया गया था 29,000 रुपये की प्राइस के अंदर, उसके बाद Honor 8C लॉन्च किया गया 26,500 रुपये की प्राइस के अंदर। तो मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा रिजल्ट वाइज Honor 8C बेटर है Huawei Y7 Prime 2019 से। इन दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन भी इंशाल्लाह हम चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।